पर सोमवार को देर से पहुंचने के कारण बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया। सलमान एयर विस्तारा की फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले थे। 10:30 बजे की फ्लाइट के लिए वो बोर्डिंग टाइम से 15 मिनट देर से पहुंचे। इसी दौरान उनका एम्प्लॉय से झगड़ा भी हो गया। बता दें कि सलमान 15 मिनट लेट हो गए थे, इसके कारण उन्हें बोर्डिंग पास नहीं दिया गया। बोर्डिंग पास न दिए जाने पर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज के साथ बहस हो गई। सलमान ने कहा कि अगर बोर्डिंग पास नहीं मिला तो वो कभी भी इस कंपनी की फ्लाइट से सफर नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी उन्हें पास नहीं मिला, वो काफी इंतजार के बाद दूसरी फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। द फर्स्ट लुक ऑफ शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट डियर जिंदगी डायरेक्टेड बाय गौरी शिंदे इज रिलीज्ड। आलिया भट्ट फर्स्ट ट्वीटेड अ फोटोग्राफ इन द डे फ्रॉम द अपकमिंग मूवी। लेटर इन द इवनिंग प्रोड्यूसर करण जौहर एंड बोथ द एक्टर्स रिवील्ड द फर्स्ट लुक विद अनदर क्लियरर पिक्चर एंड अनाउंस्ड द फिल्म्स रिलीज डेट टू। द फिल्म विल बी रिलीज्ड ऑन 25th November 2016। जहां सभी लोग महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चिंतित हैं, ऐसे में शैलेंद्र सिंह ने आई एम नॉट अ सेक्स मशीन नाम की अपनी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की है, जो समाज में मौजूद तमाम पूर्वाग्रहों और अवधारणाओं को तोड़ती है। आई एम नॉट अ सेक्स मशीन नाम की ये शॉर्ट फिल्म कई लोगों के लिए अब चर्चा का विषय बन चुकी है। नए कलाकारों अश्रुत जैन और रूपिका चोपड़ा को लेकर बनाई गई ये फिल्म महिलाओं के स्वतंत्र विचारों के बारे में बात करती है। फिल्म महिलाओं के जीवन में उनके साथ सेक्स करने के पुरुषों के हक पर सवाल करती है, जिसमें से एक महिला तरफदार पूछती है कि सारे दर्द महिलाएं ही क्यों सहती हैं? एक बड़े और कड़े सामाजिक संदेश की ओर ये फिल्म इशारा करती है। ईद पर रिलीज हुई फिल्म सुल्तान धम्मा केदार कमाई कर रही है और इसी बीच अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म का भी ऐलान कर दिया गया है। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट अगले साल ईद पर रिलीज होगी। इस फिल्म को कबीर खान डायरेक्ट करेंगे। सलमान खान के साथ कबीर खान अपनी अगली फिल्म के लिए उत्साहित हैं। सलमान के साथ एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में बना चुके कबीर अगली फिल्म पर काम करने को बेताब है। कबीर ने ट्विटर पर लिखा, फिल्म बजरंगी भाईजान के एक साल पूरे होने पर मिली शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अब 10 दिनों में ट्यूबलाइट के साथ नई यात्रा शुरू। फिल्म सुल्तान से सराहना प्राप्त कर रहे सलमान कथित तौर पर लद्दाख में फिल्म ट्यूबलाइट के पहले शेड्यूल की शूटिंग शुरू करेंगे। फाइनली बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान खान ने अपनी शादी की तारीख रिवील कर दी है। रविवार को सानिया मिर्जा की बुक एस अगेंस्ट ऑड्स को लॉन्च करने पहुंचे सलमान ने बताया कि 18 नवंबर को उनकी शादी होगी। सानिया मिर्जा की बुक लॉन्चिंग के दौरान सलमान काफी मस्ती के मूड में नजर आए। यहां उन्होंने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। शादी के सवाल पर सलमान बोले, शादी 18 नवंबर को होगी लेकिन पता नहीं कौन से साल में होगी, लेकिन होगी जरूर। 18 नवंबर, ये 18 नवंबर, ये कुछ 20-25 नवंबर से चल रहा है। 18 नवंबर होगा लेकिन पता नहीं कौन से साल में होगा, लेकिन होगा। सलमान ने इस बात का खुलासा भी किया कि शादी करने के लिए उन पर काफी प्रेशर डाला जा रहा है। बकौल सलमान, आपको नहीं पता मुझ पर कितना प्रेशर आता है, मेरी माँ और बहन शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई है। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।